आज मैं तुम लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ कि इस फोन में जो अपडेट मिला है मीवा 14.0.11 की अपडेट, इस अपडेट में तुम्हें क्या फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले तुम लोग चेंज लॉग में देख सकते हो कि अगस्त की सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जबकि 14.0.10 की अपडेट में ही अगस्त की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया था। जहाँ पर दूसरे ब्रांड्स सितंबर की अपडेट दे रहे हैं, वहाँ पर शाओमी में अभी भी अगस्त का अपडेट दे रहा है, वो भी पिछले वाले अपडेट को अपडेट करने के बाद भी अगस्त का ही सिक्योरिटी पैच दे रहा है। अगली कमेंट आप लोगों का है कि क्या इस फ़ोन में हमें एंड्रॉयड 14 की अपडेट मिला है, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर अभी भी तुम्हारे फ़ोन में एंड्रॉयड 13 की ही अपडेट देखने को मिलता है, तो अभी भी तुम लोगों को एंड्रॉयड 14 का वेट करना होगा। इसके अलावा तुम लोग ये सोच रहे होगे कि इस फ़ोन में न्यू विजेट्स देखने को मिल जाता है, तो तुम देख सकते हो अभी भी तुम्हें ओल्ड वाला विजेट्स की जो UI है वही देखने को मिलता है, और जो ऐप वर्ल्ड की सपोर्ट तुम वेट कर रहे हो वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें कहीं भी ऐप वर्ल्ड की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर डायलर की, और मैं तुम लोगों को दिखा दूँ यहाँ पर कि क्या इस अपडेट के बाद से मी डायलर की सपोर्ट देखने को मिला है, तो तुम लोग जैसे अपने फ़ोन में डायलर को इंस्टॉल करोगे तो तुम्हारे फ़ोन में डायलर तो इंस्टॉल हो जाएगा, पर जैसे तुम लोग उसे ओपन करोगे परमिशन देने के बाद तुम्हें ये एरर देखने को मिल जाएगा, यानी इस अपडेट के बाद भी तुम्हें मी डायलर की सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यानी जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है वो दोस्तों अभी तक खरा नहीं उतरा है, कोई भी फीचर्स तुम्हें इस अपडेट के बाद से देखने को नहीं मिलेगा। जो भी फीचर्स की तुम लोग वेट कर रहे हो उसमें से कोई भी फीचर्स तुम्हें देखने को नहीं मिलता है। पर इसकी जो टेस्टिंग है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि बैटरी तुम्हें कैसा देखने को मिलता है, कैमरा में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, इसके अलावा तुम लोगों का कोई भी डाउट हो तो वो तुम लोग कमेंट में पूछ सकते हो। इसकी रिव्यू मैं जल्दी तुम लोग को लेके आने वाला हूँ, और चार्जिंग की टेस्ट भी करेंगे कि पहले से कितना इम्प्रूव हुआ, और गेमिंग वगैरह की बात कर लेते हैं तो वो सब कुछ की टेस्टिंग तुम लोगों को रिव्यू वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए सिंपली तुम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।